आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में जैसे ही श्रेयस अय्यर पर बोली लगनी शुरू हुई तो उन्होंने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। उन्हें 26.75 करोड़ रुपए में यानी कि 26 करोड़ 75 लाख रुपए में पंजाब किंग्स ने अपनी टीम के साथ जोड़ा है। हालांकि अय्यर का ये रिकॉर्ड 15 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाया और उन्हीं के पुराने साथी खिलाड़ी ऋषभ पंत ने इसे तोड़ दिया। ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 27 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया है। लेकिन एक वक्त तक मेगा ऑक्शन में बिकने वाले श्रेयस अय्यर दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए थे। उनका बेस प्राइस मात्र 2 करोड़ रुपए था। श्रेयस अय्यर को लेकर टीमों के बीच जबरदस्त रेस देखने को मिली। उन्हें खरीदने की रेस में कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स जैसी टीमें आगे रही थी। अय्यर को लेकर यह होड़ इसलिए मची थी क्योंकि वो एक बेहतरीन बल्लेबाज होने के साथ साथ टीमों की कप्तानी भी कर सकते हैं। श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान आईपीएल में काफी हिट भी रहे हैं। अय्यर अपनी कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाने के अलावा दिल्ली की टीम को भी एक बार फाइनल में पहुंचा चुके हैं, यानी वो टीम को अच्छे से चलाना जानते हैं, जो कि इस हाई प्रेशर वाली लीग में हर कोई नहीं कर पाता है। इसके अलावा अय्यर बतौर बल्लेबाज भी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। अय्यर आईपीएल में अभी तक कुल 115 मैच खेल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 32.24 की औसत के साथ 3127 रन बनाए हैं। वो 21 अर्धशतक भी इस लीग में लगा चुके हैं। श्रेयस अय्यर दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी कर चुके हैं। उनकी कप्तानी में ही केकेआर की टीम ने आईपीएल 2024 का खिताब जीता था। फाइनल में केकेआर की टीम ने हैदराबाद को हराया था। तब अय्यर की कप्तानी क्षमता की सभी ने तारीफ की थी, लेकिन इसके बाद केकेआर ने उन्हें रिटेन नहीं किया। अय्यर की कप्तानी में ही दिल्ली कैपिटल्स ने फाइनल तक का सफर तय किया था 2020 में। हालांकि मुंबई इंडियंस की टीम ने उन्हें हरा दिया था। उनके पास कप्तानी का एक अच्छा खासा अनुभव है। गेंदबाजी में अच्छी तरीके से वो बदलाव करना जानते हैं। अय्यर ने अभी तक आईपीएल में 70 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें उनकी टीम 38 बार जीती है, जबकि 29 मुकाबले ऐसे थे जहां अय्यर की टीम को हार का सामना भी करना पड़ा था।